अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा नेता ने जारी किया 2022 से पहले पोस्टर, तो बीजेपी ने लिखवा दिया सपा नेता पर मुकदमा। आखिर ऐसा क्या था पोस्टर में जो बीजेपी को खटका? आखिर सपा नेता पर बीजेपी ने क्यों किया केस? सपा के पोस्टर पर आखिर क्यों हुआ विवाद? उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब पोस्टर का वार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब सपा नेता ने 2022 में सपा की सरकार बनने को लेकर पोस्टर लगवाए, तो फिर बीजेपी ने सपा नेता के खिलाफ तो केस किया ही, साथ ही पोस्टर छापने वाले को भी आड़े हाथों लिया और प्रिंटिंग प्रेस वाले पर भी कार्रवाई की बात कही। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा पोस्टर में क्या था जिसकी वजह से बीजेपी सुलगने लगी और बीजेपी ने सपा नेता पर केस दर्ज करवा दिया। आपको बता दें कि सपा छात्र सभा के प्रदेश सचिव विकास यादव ने ये पोस्टर छपवा कर लगवाए थे। पोस्टर को लेकर बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव को भगवान और योगी को शैतान के तौर पर पेश किया गया है, जो गलत है, और पोस्टर से योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया गया है। दरअसल प्रदेश में पंडित पॉलिटिक्स जमकर देखने को मिल रही है और पंडित पॉलिटिक्स के सहारे सपा भी खुद को मजबूत कर रही है। सपा नेता विकास यादव ने पोस्टर लगवाते हुए उस पर लिखा था कि बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, अब की बार अखिलेश सरकार। पोस्टर में अखिलेश यादव श्री कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी पोस्टर पर मौजूद हैं। ऐसे में जब बीजेपी को पोस्टर की भनक लगी तो फिर बीजेपी नेता भड़क गए और पोस्टर के विवाद को थाने तक ले जाकर पहुंचे। विवादित पोस्टर बताकर सपा नेता विकास यादव के ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया, साथ ही प्रिंटिंग प्रेस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई। मामले में अब सपा नेता को क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। सपा नेता के पोस्टर को लेकर जब बवाल की बात सामने आई तो सपा नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और तमाम नेताओं ने मामले पर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता सरेआम दंगे भड़काते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं, तब न क्राइम ब्रांच को सुधारती है और न ही बीजेपी आला कमान को अपनी छवि धूमिल होती दिखाई देती है। लेकिन सपा नेता के एक मामूली पोस्टर पर बीजेपी हाय तौबा मचा रही है, जो बताता है कि बीजेपी को अपनी हार निश्चित दिख रही है। 2022 में सत्ता से बाहर होने से डर रही बीजेपी विपक्ष को क्राइम के नाम पर डरा रही है और पोस्टर पर केस दर्ज करवा रही है, जबकि जो अपराधी रेप कर रहे हैं, हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट की वारदातें दे रहे हैं, उनके खिलाफ ना तो बीजेपी कुछ कर पाती है और ना ही क्राइम ब्रांच उन पर लगाम लगा पाती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा अपनी काली करतूत छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। ऐसे में पोस्टर का वार अब एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तक आ पहुंचा है और सपा मामले में काफी नाराज दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता भी नाराज हैं, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन आने वाले वक्त में क्या कारगुजारी करेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।